हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लास। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 8.4 है, जहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। फर्स्ट पार्ट गिवन है fx इज इक्वल्स टू cos x इन ओपन इंटरवल 0 to π। हमें ये बताना है यहाँ पे, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है भाई, डेरिवेटिव करना है। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 4 लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स को 0 के इक्वल रखा, तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग अच्छे से जानते हैं कि साइन एक्स है वो हमारे पास ओपन इंटरवल 0 to π। क्यों भाई, 0 साइन 0 या तो 0 डिग्री पे होता है या पाई पे होता है। तो आप यहाँ पे इसके अंदर लिख दो, वी नो दैट साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। 0 से पाई तक कहीं भी हमारे पास साइन है वो क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है भाई, क्लोज होता तो हमारे पास होता है। तो जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव से कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आया, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे, हेंस fx इज नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। ना तो ये लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है हमारे पास, किसके लिए भाई, 4 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई के लिए, 0 to π ओपन इंटरवल के लिए। ना तो ये लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़िए, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। सेकंड पार्ट के अंदर गिवन है भाई अपने पास fx इज इक्वल्स टू साइन 2x माइनस x, साइन 2x माइनस x, और कह रहा है 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2π। 0 से 2π तक हमें बताना है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेरिवेटिव करना। डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x इज इक्वल्स टू क्या बन गया भाई, cos 2x इंटू एंगल का डेरिवेटिव 2 माइनस में x का डेरिवेटिव 1, किसके इक्वल हो गया, 2 cos 2x माइनस 1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट पॉइंट अपना, 4 लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, इट मीन्स 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड cos 2x इज इक्वल्स टू 1/2। अब 0 से 2π तक cos की जो वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव कहाँ कहाँ है भाई, क्योंकि cos 2x 1/2 के इक्वल आए तो पॉजिटिव है ना। अब पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या लिखोगे आप लोग, 2x इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 है वो हमें पता है, एक तो होती है 60 डिग्री भाई, 60 डिग्री मीन्स π/3 एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव जो होता है वो आपका कहाँ होता है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कोस। एज ए फोर्थ क्वाड्रेंट जब भी आपको चेंज करना हो तो आप लेते हो क्या भाई, 2π - θ की फॉर्म ली जाएगी, cos 2π - π/3, और इट मीन्स ये आपका कहलाएगा क्या हो गया भाई, 6π - π 5π/3 बन गया। तो 5π/3 होगा और एक π/3 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से मैं x डिफाइंड करता हूँ तो 2 डिवाइड में चला गया, π/6 बन गया, 5π/6 बन गया। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए या क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स पे हमें चेक करना है कि हमारे पास लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। इसके लिए क्या करोगे आप लोग, सबसे बेस्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास गिवन हो और कोई फर्स्ट डेरिवेटिव की कोई बाउंडेशन अगर हमारे पास न हो,
तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहिए। तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन इजी बन जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका था कितना, 2 cos 2x। नेक्स्ट करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, माइनस का 4 sin 2x इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव आने के बाद एट x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में 3 ले लिया मैंने, ना पाई अपॉन 6 है, सॉरी क्या ले लिया बेटे, पाई अपॉन 6 पे बता रहा हूँ, पाई अपॉन 6 लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेकंड डेरिवेटिव एट पाई अपॉन 6 माइनस 4 इंटू में साइन पाई बाई 3 बन गया। तो साइन पाई बाई 3 मीन साइन 60 डिग्री, 4 इंटू में √3/2, और जो कि माइनस का 2√3 आ गया, इट मीन्स नेगेटिव आ गया भाई। क्या आ गया सेकंड डेरिवेटिव, नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो आप लोग यहाँ से क्या कह सकते हो, इसके अंदर fx इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो यहाँ से फाइंड कर दो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, जहाँ फंक्शन है वहाँ पे पाई बाई 6 रख दो, तो ये बन गया साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 √3/2 माइनस पाई बाई 6, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अब नेक्स्ट आपको पॉइंट लेना है एट x इज इक्वल्स टू 5π/6। तो सेकेंड डेरिवेटिव एट 5π/6 इज इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू में साइन 5π/3। तो क्या बना यहाँ से, माइनस 4 इंटू में साइन क्या लिख सकते हैं इसको, 2π-π/3। 2π है तो नो चेंज है, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन नेगेटिव होगा, तो ये साइन नेगेटिव होगा तो यहाँ से जो माइनस आएगी वो और माइनस आगे है, प्लस 4 इंटू में साइन पाई बाई 3 बन गया, जो कि 4 इंटू में √3/2 बनेगा और 2√3 आ गया, तो इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या कह दोगे यहाँ पे, fx इज लोकल मिनिमम, और लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है तो फंक्शन में पुट कर दो, वहाँ से आ जाएगी। तो सेकंड पार्ट ये है भाई जिसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पार्ट में अपने पास ये कह रहा है इसमें, fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस एक्स है इन इंटरवल गिवन है -π/2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू +π/2। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट काउंट हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना एक ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना, और ये आ जाएगा कोस एक्स माइनस में 1। क्या बन गया भाई हमारे पास, यहाँ ध्यान दो बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, इसको लिखने में 2 sin x है, तो कोई बात नहीं, 2 cos x माइनस में क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा हमारे पास। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट वहीं आता है, 4 लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से कोस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब कोस एक्स है वो आपका 1/2 आ रहा है, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यूज होंगी हमारे पास वो ध्यान दे सकते हो आप लोग, क्या क्या होंगे भाई, -π/2 टू +π/2 कह रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए बनेगा, एक तो एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है π/3, और नेक्स्ट -π/3, क्या भाई -π/3, ये भी तो एज ए फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो है, इसने कोई 0 to 2π नहीं कहा, अगर हम 2π-π/3 की फॉर्म में फाइंड करें, तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। इन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए सेकंड डेरिवेटिव ले लो, सबसे बेस्ट होगा अपना ऑप्शन, क्या बनेगा, माइनस का 2 sin x है भाई। तब मेरे हिसाब से यहाँ पे वैल्यू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पाई बाई 3 रखोगे तो आपका इस नेगेटिव से नेगेटिव रहेगा, लोकल मैक्सिमम हो गया, और -π/3 रखोगे तो प्लस हो जाएगा, लोकल मिनिमम हो जाएगा। आगे इसको आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट अपना है भाई पार्ट नंबर 4th है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है fx इज इक्वल्स टू 2 cos x + x। fx इज इक्वल्स टू 2 cos x + x है इन क्लोज इंटरवल 0 to π, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट पॉइंट अपना फर्स्ट डेरिवेटिव,
माइनस टू साइन एक्स प्लस में वन बन गया। फोर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख दिया तो यहाँ से बना माइनस का टू साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड साइन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन में टू। अब वन अपॉन टू है वो साइन में कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पाई बाई सिक्स पे है, कहाँ होता है पाई बाई सिक्स पे। अब एज ए सेकेंड क्वाड्रेंट लेके आना है हमें, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी आप लोग लिखते हो साइन पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है, तो पाई माइनस थीटा में लिखोगे तो ये आपका बनेगा साइन फाइव पाई बाई सिक्स। तो नेक्स्ट जो सेकेंड वैल्यू यहाँ से आपके पास निकल के आएगी वो हमारे पास क्या होगी भाई, फाइव पाई बाई सिक्स बन जाएगी। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए मेरे हिसाब से, ना तो अब सेकंड डेरिवेटिव करना मुश्किल है ना ये वैल्यू पुट करके। नेगेटिव आए तो आपका लोकल मैक्सिमम है, पॉजिटिव आए तो लोकल है मिनिमम है। नेक्स्ट पार्ट नंबर फिफ्थ पे ध्यान दीजिए आप। फिफ्थ पार्ट में अपने पास क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे ये कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इन टू वन प्लस में कोस एक्स और क्लोज इंटरवल ज़ीरो टू पाई बाई टू। क्या भाई, क्लोज इंटरवल ज़ीरो टू पाई बाई टू है, तो साइन एक्स इंटू में वन प्लस कोस एक्स है। फर्स्ट तो अपना काम है वो क्या है, डेरिवेटिव करना है भाई, तो डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव यू इंटू वी, साइन एक्स को एज इट इज़ रखा इंटू में वन प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव कर दिया, माइनस का साइन एक्स आ गया, वन प्लस कोस एक्स को एज इट इज़ रखा तो इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स बन गया, माइनस का साइन स्क्वेयर एक्स हो गया, प्लस का कोस एक्स बन गया, प्लस का कोस स्क्वेयर एक्स हो गया। क्यों भाई, ऐसा ही बनेगा। अब ये करने के बाद अपने पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये कोस में भी है साइन में भी है, वन टिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, और वन टिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर कन्वर्ट करेंगे तो कोस स्क्वेयर को चेंज करना तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोस एक्स है भाई, तो साइन स्क्वेयर एक्स को कन्वर्ट कर देंगे, माइनस वन माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स के इक्वल होता है भाई, प्लस में कोस एक्स है, प्लस का कोस स्क्वेयर एक्स है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का वन हो गया, प्लस का कोस स्क्वेयर एक्स हो गया, प्लस का कोस एक्स है, प्लस का कोस स्क्वेयर एक्स है हमारे पास। यहाँ से क्या बनेगा भाई अपने पास, यहाँ से कोस स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स टू कोस स्क्वेयर एक्स बन गया, प्लस कोस एक्स माइनस वन है, प्रोडक्ट करें तो माइनस का टू आए, सम करें तो प्लस का वन आए, तो प्लस का टू और माइनस का वन क्या बन गया यहाँ से भाई, टू कोस स्क्वेयर एक्स प्लस का टू कोस एक्स माइनस का कोस एक्स और माइनस वन। फर्स्ट और सेकेंड टर्म से यहाँ पे टू कोस एक्स कॉमन आ रहा है तो अंदर रह गया कोस एक्स प्लस में वन, माइनस का वन कॉमन ले लो तो कोस एक्स प्लस वन हो गया, तो कोस एक्स प्लस वन इंटू में आ गया हमारे पास टू कोस एक्स माइनस में वन। ये इसके फैक्टर्स हो गए भाई। फैक्टर्स होने के बाद क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए आपको पता है क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखोगे तो यहाँ से कोस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन और कोस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस वन अपॉन में टू बनेगा भाई। कोस एक्स माइनस वन के इक्वल, देखिए इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू है, जीरो टू पाई बाई टू में ये तो नॉट पॉसिबल है भाई हमारे पास। क्यों लिखा मैंने नॉट पॉसिबल है, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वन अपॉन टू कहाँ होता है, कोस में, कोस में होता है भाई पाई बाई थ्री पे, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया पाई बाई थ्री आ गया। तो यहाँ से अब क्या कर दो, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो। सेकंड डेरिवेटिव कहाँ से फाइंड करोगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये रहेगा भाई, या तो आप इस स्टेप को उठाओ या फिर आप इस स्टेप को उठा लो, यहाँ से आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, जितना भी जो भी आएगा वहाँ पाई बाई थ्री पुट करके चेक कर दो, पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमम है, नेगेटिव है तो लोकल है मैक्सिमम, आगे आप इसको खुद कर लोगे भाई। नेक्स्ट अपने पास आता है इसका पार्ट नंबर सिक्स। सिक्स्थ पार्ट के अंदर ये क्या कह रहा है ध्यान दीजिए,
एफ एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास साइन एक्स प्लस वन अपॉन में टू कोस टू एक्स इन क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू। ये तो कुछ बेनिफिट दे रहा है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ज़्यादा हमें क्वाड्रेंट्स में घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग ईजिली अपने पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम अपना एक ही है, फर्स्ट डेरीवेटिव, साइन एक्स का डेरीवेटिव करोगे तो कोस एक्स बन गया, प्लस वन अपोन में टू इंटू में कोस टू एक्स का डेरीवेटिव माइनस का साइन टू एक्स हो गया, इंटू एंगल का डेरीवेटिव टू आ गया, टू से टू डिवाइड हो गया, क्या बना बेटे कोस एक्स माइनस का साइन टू एक्स बन गया भाई। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए तो इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या कर दोगे आप लोग, यहाँ से साइन टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टू साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, कोस एक्स को ले लिया मैंने कॉमन, वन माइनस में टू साइन एक्स बन गया, ये फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स होने के बाद फोर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप जीरो के इक्वल रखोगे तो कोस एक्स इंटू वन माइनस में टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, आइदर कोस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन में टू, क्या बनेगा भाई कोस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास है वन अपॉन में टू आ गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो क्या क्या आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू पे जीरो होता है भाई। ये क्यों लिया गया पॉइंट, क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, अगर यहाँ ओपन इंटरवल गिवन होता तो हम इस पॉइंट को रिजेक्ट कर देते, और इधर से वन अपॉन टू कहाँ होता है पाई बाई सिक्स पे भाई। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, पाई बाई टू और पाई बाई सिक्स, आगे आप इसको खुद कर लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करके इनको पुट करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर सेवन पे ध्यान दीजिए, सेवन्थ जो पार्ट है अपना वो क्या है भाई, इसके अंदर एफ एक्स इज इक्वल्स टू टू साइन एक्स प्लस कोस टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स, और क्या है भाई किसके लिए कह रहा है, इन क्लोज इंटरवल जीरो टू टू पाई, देखिए इनका एम रोल है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास देखिए सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट डेरिवेटिव करना, क्या बन गया टू कोस एक्स प्लस में टू कोस टू एक्स बन गया भाई, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कोस टू एक्स और एंगल का इन टू में टू आ जाएगा, टू यहाँ से आप कॉमन ले लोगे, टू अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बन गया कोस एक्स प्लस में कोस टू एक्स। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, कोस सी प्लस में कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, ध्यान दे सकते हो, टू इंटू में कोस सी प्लस डी बाई टू थ्री एक्स बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, देखिए x माइनस टू एक्स तो लिखोगे तो माइनस एक्स आएगा, लेकिन कोस में माइनस है तो भी प्लस ही होता है एज ए फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ गया भाई, फोर इंटू में कोस थ्री एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद अगर वो ऑलरेडी लीनियर है, ऑलरेडी फैक्टर में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आने के बाद क्या करोगे आप लोग, फोर लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे तो क्या बनेगा, फोर कोस थ्री एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। क्या क्या कंडीशन बनी भाई, आइदर थ्री एक्स कोस थ्री एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो और कोस एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ जीरो से लेकर टू पाई की बात कर रहा है भाई, कहाँ से लेके, जीरो से लेकर के हमें टू पाई तक की जो कंडीशन है वो हमारे पास यहाँ गिवन है। तो जीरो टू टू पाई की कंडीशन के लिए आप लोग इसके अंदर देख सकते हो, जब हम इनको जीरो के इक्वल रख रहे हैं तो एक्स की जो वैल्यूज है वो क्या क्या आएंगी आपके पास। तो यहाँ से देखिए भाई क्या बनेगा अपने पास, कोस थ्री एक्स बाई टू जीरो के इक्वल है, तो जीरो के इक्वल तो कहाँ होता है कोस, जहाँ पे पाई बाई टू का ओड मल्टीपल हो,
सबसे पहला आ गया क्या हमारे पास, ये पाई बाई टू आ गया। अब पाई बाई टू के बाद नेक्स्ट पे पहुंचता हूँ तो ऑड मल्टीपल 3π/2, 5π/2, 7π/2 ऐसे। अब देखो एक्स के अकॉर्डिंग तो हमारे पास यहाँ मेन ध्यान देने का पॉइंट है ये थर्ड, एक्स के अकॉर्डिंग तो ये 2π से बाहर है भाई, लेकिन अभी इसके साथ एक्स कहाँ है। अगर आप एक्स लोगे तो 2 तो देखिए सबका डिवाइड हो गया भाई, 3 डिवाइड में हो रहा आएगा, तो क्या बनेगा पाई बाई 3 पाई और 5π/3। ये तीनों की तीनों वैल्यू है, ये बिलोंग कर रही है किसको, क्लोज इंटरवल 0 to 2π को। नेक्स्ट कोस एक्स बाई टू को 0 के इक्वल रख रहे तो एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ओनली पाई बाई टू आ गया अभी, क्या बनेगा हमारे पास ये पाई बाई टू के इक्वल आ गया। क्योंकि नेक्स्ट अगर 3π/2 लोगे तो 2 कैंसिल हो गए, 3π तो फिर 2π से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से मिला आपको x इज इक्वल्स टू पाई। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ से बन गए इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो आपके पास आ गए बेटा, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 पाई और 5π/3। इन 3 पॉइंट्स पे आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बताना है, और अगर कुछ भी नहीं है तो क्या करना है, वो क्या होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ ए इनफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर दो, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड करोगे तो आप देख सकते हो क्या बनेगा आपके पास, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जहाँ आपने मल्टीप्लाई नहीं किया वो उठा लो भाई, कौन सा ये ले लो, यहाँ से आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2sin x हो जाएगा और माइनस का 4sin 2x बन जाएगा, क्या बन जाएगा -4sin 2x, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ऐसे ले लो एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो सेकंड डेरिवेटिव एट पाई बाई 3। तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव को अगर पाई बाई 3 पे हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो क्या बना, -2 × sin π/3 हो गया, और माइनस में 2 × माइनस का 2 कॉमन लिया तो प्लस हो गया भाई, क्या बनेगा 2 × sin 2π/3 बन गया। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे तो ये तो पॉजिटिव आना है, ये भी पॉजिटिव आना है, तो फाइनली ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो लोकल मैक्सिमम हो गया, हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अपने पास सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे किसको ले रहा हूँ भाई, 5π/3 को ले रहा हूँ, तो सेकंड डेरिवेटिव एट 5π/3, थर्ड पॉइंट को मैंने पहले उठा लिया भाई, और यहाँ से ये हम इसके अंदर पुट करके सोल्व करेंगे तो आप सोल्व कर लेना बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो ये लोकल मिनिमम हो जाएगा, इस पॉइंट पे लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड कर देंगे। मेन जो बताने जा रहा हूँ मैं वो आपका थर्ड जो पॉइंट है यहाँ से ध्यान देंगे, वो पॉइंट बच गया अपना पाई, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। क्लियर है? सेकेंड जो डेरिवेटिव अपना बना था वो सेकेंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आया था भाई, अभी किया था हमने, सेकेंड जो डेरिवेटिव है एक बार फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, -2 × sin x + sin 2x है भाई। तो पाई पे अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करोगे, -2 × sin π बन गया +sin 2π बन गया, साइन पाई पे भी वैल्यू 0 होती है, 2π पे भी 0 होती है, तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया, और जीरो के इक्वल आ गया। सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारा 0 के इक्वल आ गया तो इस केस को हम लोग क्या कहेंगे भाई, क्या बनेगा आपके पास, ये क्या कहलाएगा, इसमें सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 के इक्वल है तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो तो फेल हो गया, क्या हो गया फेल हो गया, या तो आप यहाँ से इसका थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट लो, क्या कर दो थर्ड डेरिवेटिव, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ तो डेरिवेटिव से ही हेल्प हो जाए वो ही बेटर है। थर्ड डेरिवेटिव अगर मैं इसका करता हूँ तो -2 तो बाहर ही है, साइन एक्स का कोस एक्स बन गया +2 cos 2x बन जाएगा, ये थर्ड डेरिवेटिव आ गया भाई। थर्ड डेरिवेटिव करने के बाद थर्ड डेरिवेटिव की कंडीशन है हमारे पास, अगर वो पाई के जीरो के इक्वल नहीं है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है भाई,
तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर चेक कर सकते हो, थर्ड डेरिवेटिव एट पाई माइनस टू इंटू में कोस पाई प्लस में टू इंटू में कोस टू पाई आ गया है, क्लियर है। और इसको यहाँ से आप लोग सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो कोस पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, माइनस वन भाई, और कोस टू पाई है वो प्लस वन है, तो माइनस टू इंटू में क्या होती है कोस पाई, माइनस का वन, और ऐसे ही आपका बन गया भाई माइनस का टू पाई है तो प्लस का ही बनेगा, तो यहाँ से क्या बन गया आपका नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या जो भी हायर डेरिवेटिव टेस्ट है उनके एक बार वर्किंग रूल से आप उनको रीड करके देखना, थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हो देयर फॉर एक्स इज इक्वल्स टू पाई इज ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बन गया भाई हमारे पास। तो ये थे बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सभी पार्ट, सेवन के सेवन पार्ट्स के बारे में मैंने बता दिया। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।